मुंबई लोकल में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर सिटिंग अरेंजमेंट करने की तैयारी है। इसका मकसद है लोकल में बढ़ती भीड़ और हादसों को कंट्रोल करना। फिलहाल एक ट्रेन के 5 डिब्बों पर इसका ट्रायल चल रहा है। बदलाव सिटिंग अरेंजमेंट में किया गया है, खास करके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अमूमन आपको लोकल ट्रेन में इस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखने मिलती होगी। ये जो मेट्रो में जिस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल यानी लंबी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, इस तरीके की होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री सफर कर सके। अभी सिटिंग का जो चेंज किया हुआ है उससे अगर यात्री को ज्यादातर फायदा हो सकता है, क्योंकि रनिंग ऑन में जब गाड़ी होती है तो यात्री के गिरने की बहुत ज्यादा आशंका होती है। मेट्रो जैसा ही ये है, लेकिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब लोकल में 2 तरह की नई सीटिंग अरेंजमेंट्स की गई हैं। पहली व्यवस्था में डब्बे के गेट के पास से सीटें निकाल दी गई हैं। इससे 12 लोगों के बैठने की व्यवस्था कम हुई है, लेकिन इस जगह 56 और लोगों के खड़े होने की जगह बन गई है। इसी तरह पूरे डब्बों के बीच की सीटों को निकालकर साइड में लंबी सीट बना दी गई है। इसकी वजह से अब 112 लोग खड़े हो सकते हैं। मेट्रो के प्रकार की जो हम लोगों ने बैठने की व्यवस्था की है, उस डिब्बे में करीब करीब 112 लोग ज़्यादा सफ़र कर पाएंगे। मैंडेट ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में क्या बदलाव कर सकते हो, तो उसके तहत ये एक बदलाव करने की कोशिश मध्य रेलवे ने की है। नए कोच को ट्रायल रन और सुरक्षा जांच के बाद 2 दिनों में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए मुंबई वासियों से फीडबैक भी मांगे जा रहे हैं। यात्री ईमेल और रेलवे की वेबसाइट पर ये फीडबैक दे सकते हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि अगली व्यवस्था इसी फीडबैक के आधार पर तय की जाएगी। ट्रायल भर के रन के बाद एक फीडबैक लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में और भी कई सारे रेक्स में इसी तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।